जल्दी शादी कर लीजिए। आप दिख रहे हो यूट्यूबर का कैमरा चालू हो जाता है पहुंचने से पहले। करता ये नहीं करना पड़ता, वीडियो को रोक दिया तुमने। मेरा हाथ हिल गया तो अम्बेडकर पार्क में मैच खेलने आए क्रिकेट। आपकी वाइफ फरवरी से अब मिली है, फरवरी से वाइफ अब मिली है। और आंटी बहुत ही भाई देखो मिलते मेरे पैर तैर रहे हैं उसमें। अच्छा है हमारा गाइस। अच्छा हाँ शादी तो हो चुकी है अम्बेडकर पार्क में, तो हमारी शादी होगी, रिसेप्शन हो रहा है। अच्छा मैं हूँ सिमरन यादव और आज मेरा व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं जिम जाती हूँ। काफी लोगों को तो पता ही नहीं कि मैं जिम जा रही हूँ, तो आज मैं आपको अपना जिम दिखाती हूँ। तो साथ में मम्मा भी जा रही, कैमरा कौन चलाएगा। तो जब मैं जिम करूंगी तो मम्मा वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगी। तो मेरे घर के पास ही जिम है और अभी 10:30 हो रहा है, मॉर्निंग का टाइम है। ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्योंकि खाली पेट अगर जिम करने जाओ तो ज्यादा फायदा होता है। मैं इसलिए जिम जाती हूँ क्योंकि इधर मैं बहुत मोटी हो गई हूँ और कमेंट्स भी आ रहे थे सिमरन जी आप काफी मोटी होती जा रही हैं। पतले होना है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा पतले कि अच्छी लगो। मैं जा रही हूँ वर्कआउट करने। ये देखो ये मेरा जिम है और सबसे पहले मैं करूँगी साइकिलिंग ताकि जो मेरा टमी है वो कम हो जाए। मैं साइकिलिंग करने के बाद बहुत सारे एक्सरसाइज करूँगी ताकि मैं जल्दी से जल्दी पतली हो जाऊँ और कोरियन ड्रेसेस पहनूँ। तो मैं इतने भारी भारी उठाती हूँ, क्या आप उठा सकते हैं ना? बस थोड़ी सी पतली हो जाऊँ, बस थोड़ी सी। अच्छा आप बहुत कमेंट करते हो मोटी 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 हो गई हो, मोटी हो गई हो, अब पतली होके दिखाऊंगी देख लेना। आपका दूल्हा आ रहा है ना जिससे आपने फरवरी में शादी करी थी? हाँ शादी होने वाली है। शादी हो गई, बेचारा इतने दिन हो गया छोड़ के चला गया था, आज आ रहा है। हाँ ऋषभ, हाँ ऋषभ आ रहे हैं आज, मैं उनसे मिलवाऊं। सिमरन हाँ? ये क्या करे, किसको डंडा मारना है? किसके लिए पतला हो रही हो इतना? कोई ट्रेनिंग में जा रही है जैसे लोग? दिल पे ले लेती हूँ बहुत ज्यादा भाई, आप लोग कमेंट इतना करते हैं। गाइस तो आप लोग मेरा जिम देख लो, बहुत ही अच्छा जिम है और ये प्लस पॉइंट है, अगर आप प्लस करेंगे तो ये बढ़ जाएगी। ये देखो गाइस जॉगिंग करो जॉगिंग। मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है और दिस माय जिम ड्रेस और हमने जिम कर लिया। कौन सी जा रही है? तो गाइस मैंने जिम ड्रेस पहन लिया है, वैसे बहुत ही कम पहनती हूँ, जब जिम में बहुत ही कम लोग होते हैं, कोई होता ही नहीं होते हैं, वहीं से लेकर आई थी जिम ड्रेस। मुंबई में ज्यादा मिलती है और मुझे बस ट्विस्टर सिमरन, कौन सा ट्विस्टर? सिमरन की फेवरेट जिम। क्या कर रही हो? ये है बटरफ्लाई एक्सरसाइज, तभी हम बटरफ्लाई कर रहे हैं। हाँ खुशी हेलो। हाँ बोलो। हाँ तो मैं कैसी हूँ? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तो आज जिम करते करते बहुत थक गई, जितना आप लोगों ने देखा मजा आया ना, इतना पसीना नहीं आया क्योंकि अब ऐसी बॉडी तो मुझे चाहिए नहीं, लड़का तो हूँ नहीं लड़की है, मुझे बॉडी नहीं बनाना जिम में, बॉडी बनाने नहीं आई हूँ। अभी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि बॉडी बनाने नहीं आई। 15 अगस्त की वीडियो भी बनानी है मुझे। हाँ अभी तो मैंने चावल खाना भी बंद कर दिया है क्योंकि अगर आप चावल खाएंगे तो आपका पेट बाहर आ जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत लगती है बहुत ज्यादा, और घर का खाना तो मुझे बहुत पसंद है। आज सर बोल रहे तुमने जिम नहीं किया, सिर्फ आज पूरा दिन वीडियो बनाया। आज तुमने कोई भी वर्कआउट नहीं किया, सिर्फ तुमने जो है वीडियो बनाया। हाँ अपने फैंस के लिए, क्योंकि अभी सबको पता ही नहीं है कि मैं जिम भी करती हूँ, ऐसे सबको पता चलेगा कि हाँ सिमरन जिम करती है। बाय चलते हैं, आपको अच्छा लगा? मैंने वीडियो बनाया। हाँ मैं देख ही रही थी, बारिश हो रही है। अरे रिक्शे वाले अंकल नहीं रुकना हमको, चले ओके। वो बहुत तेज बारिश हो रही है, मुझे बारिश में नहाने का मन कर रहा है। पता नहीं मुझे समझ नहीं कि मैं रोड पे क्यों रहती हूँ, इतना हॉरर आता है रोड पे। अभी बताए बारिश में अगर भीगूंगी तो बाल बहुत टूटता है मेरा। अभी 2 बज रहे हैं दिन के, मैं जिम करके आ गई हूँ। देखो खाना खाने जा रही हूँ, आज खाने में है टमाटर की सब्जी और चावल। कार्टून देख रही हूँ, अभी खाती हूँ तो कार्टून लगा लेती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ देखो, तो अभी कितना बज रहा है, अभी कितना बज रहा है क्योंकि मैं देख कर आती हूँ। 3 बज रहे हैं और मैंने आप लोगों से कहा था ना ऋषभ भाई का कॉल आया है, वो आए हैं लखनऊ, तो वही ऋषभ भाई और रवि सागर आए हैं लखनऊ वीडियो शूट करने आए हैं।
तो जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। लखनऊ का सबसे फेमस लोकेशन क्या है? अंबेडकर पार्क है, तो अंबेडकर पार्क जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। और आज मैंने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना है, ये देखो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और मैं ऐसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे हाथों में नेल पेंट लगी है गाइस। तो अभी मैं लखनऊ में, आपको पता ही 10 नंबर चढ़ा है यहाँ पर। हाँ मतलब वीडियो देखते हो मेरी ना बराबर, इंस्टा पर भी और यूट्यूब पर भी पे, हाँ? और टीवी पे भी देखते हैं। टीवी पे समर सिंह, समर सिंह का। अच्छा समर सिंह का देखा होगा। हाँ समर सिंह के साथ। हाँ आप बोलो कुछ, क्या बोलना चाह रही हो? गाइस आज मैं अंबेडकर पार्क आई थी और ये सब मुझे देख के ही पहचान गए। सिमरन सिमरन समर सिंह के साथ सॉन्ग आए, मैंने कहा तो थैंक यू सो मच आपको। बहुत अच्छा लगा जैसे। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं अंबेडकर पार्क लखनऊ के, तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। और यहीं पे ऋषभ भैया और रवि सागर बस पहुंचने ही वाले हैं। कब कॉल किया था, कितनी देर लगा रहे हैं तैयार, मतलब लड़कियों से ज्यादा तो लड़के आजकल देर लगाए लगे हैं यार तैयार होने में। मैंने देखो पूरा तैयार होकर आई हूँ कि मुझे इतना टाइम नहीं लगा, इनको इतना टाइम लग रहा है। तो अभी हम लोग अंबेडकर पार्क के अंदर आ गए। जब राजा भैया आए थे तब भी यहाँ आए थे। हाँ जब राजा भैया वीडियो बनाने आए थे तभी मैं यहाँ पर आई थी, उसके बाद अब आ रही हूँ। हाँ जब अंजलि चौहान आई थी तब भी वो, अरे यार जो भी मुझसे आता है मतलब यही आता है क्योंकि लखनऊ का फेमस तो यही है अंबेडकर पार्क, तो लोग इसी को देखने आ जाते हैं और लोग मिल भी लेते हैं यहाँ पे। तो ऋषभ भाई ऐसे तो मैं पहले भी मिल चुकी हूँ और आप तो जानते हैं शादी वाला प्रैंक ही है उनके साथ, तो मिलवाते हैं अभी। हाँ अभी ऋषभ भैया का कॉल आया, पूरे 1 घंटे बाद आ रहे हैं। मैं जल्दी पहुँच गई। तुम जल्दी पहुँच गई? अच्छा देखो पहुँच रहे हैं अभी, बस पूछ रहे कौन से गेट नंबर पे हो। सिमरन आ रहे हैं, अभी एंट्री कर रहे हैं। एक ही नंबर गेट है हाथी बार में, एक ही नंबर गेट है, ज़्यादा नहीं है। दिखते आते हैं। हमको तो आप दिख रहे हैं। कैमरा चालू हो जाता है पहुंचने से पहले। हेलो गाइस तो सिमरन से मिलने आए हैं। देखो ऋषभ भैया आ रहे हैं पीछे से चुपके चुपके। चुपके चुपके तो नहीं आ रहे, फोन करिए साहूकारी से। हमें क्या पता व्हाइट टीम आ रही है, मैच सबको यही आज मैच खिलवाएंगे सब यही। ऐसे लग रहा है कि अंबेडकर पार्क में हम मैच खेलने आए क्रिकेटर्स तो व्हाइट ही भेज गए। आज पहन लिया मन हुआ क्योंकि 2 दिन से इंस्टाग्राम पे ब्लैक कलर की या रेड कलर की ड्रेस पहन के वीडियो आ रही थी, तो आज से जो व्हाइट कलर पहने तो व्हाइट पहन लिया मैंने। हाँ दौड़ 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 गाड़ी दौड़ चलो चलो दौड़। अरे दौड़ दौड़ आपकी वाइफ फरवरी से अब मिली है, फरवरी से वाइफ अब मिली है। तो और आंटी हमारी खूबसूरत आंटी ब्लॉग शूट करते थे, उनको तो मैं हैक करने वाला हूँ। हेलो मिल लीजिए। हेलो सो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम सिमरन जी के पास में मिलिएगा। कैसी हो आप? बहुत ही भाई जी देखो मिलाप हो रहा है और मैंने मिलवाया है, पुण्य का काम मैंने करा है। दो क्रिएटर को मिलाना बहुत बड़ी बात होती है। इनका भी कोई आधा आधा बहुत अच्छा लगा। नमस्ते आंटी जी कैसे हो आप? बढ़िया ठीक हो? और अभी बस शूट कर लिया वेट कर रही थी, ये मानना पड़ेगा। मैं 3 बजे से वो 2:30 बजे से वेट कर रही थी। वहाँ बहुत बारिश हो रही थी, वहाँ बहुत गाइस मेरे जूते पूरे भीग चुके, हमने पानी भरा है, स्विमिंग पूल बन चुके हैं मेरे जूते, मेरे पैर तैर रहे हैं उसमें। अच्छा अच्छा ये कौन सा पार्क है? अंबेडकर पार्क। और एक जनेश्वर पार्क आगे वहाँ पे कैमरा ले जाने देते हैं ना। यहाँ अलाउड नहीं लेकिन आने बोला कि कैमरा तो सभी को। हेलो हेलो हो गया। हेलो हमें वोट दे, कितने लोग आए लेकिन वोट हमें दे। क्रिकेट टीम होने यहाँ सब लोग मैच खेलेंगे, हम लोग सब यहाँ मैच खेलने आए, सभी ने वाइट वाइट पहना हुआ है। हाँ किसकी शादी? नहीं गाइस शादी रिसेप्शन है हमारा गाइस। अच्छा हाँ शादी तो हो चुकी है अंबेडकर पार्क में, तो हमारी शादी होगी, रिसेप्शन हो रहा है। अच्छा रिसेप्शन में बारिश हो रही है, क्या भगवान भी खुश है, इंद्र देव भी खुश है, काफी दिन के बाद मिलने आया है ना आफ्टर 3 मंथ। हाँ
चलो कहाँ कोई अच्छी दुकान को नहीं दिखाया ना तुमने दिखाओ वाह मतलब मेरी भाभी जी ये गलत बात है सिविल फ्रैंक ऐसे करती है कि विश्वास ही नहीं होता किसी को। हाँ ऋषभ अक्टूबर में आना है कृष्णा सर 4 तारीख को आना है आपको बड़ा सा बिग सरप्राइज मिलने वाला है पहले से बता दिया है क्या अभी जा रहे वीडियो शूट करने पूरी टीम आ चुकी है कैमरा साफ करो थोड़ा सा साफ आ रहा है गोरे गोरे आ रहे आप ठीक है अब साफ आ रहा है मेरा आईफोन है बोल दीजिए आपके पास वीवो है गाइस मेरा ये वन प्लस का है चलो वीडियो शूट करते हैं अरे तीनों लोग हक करते हो मस्ती वाला यार क्या दे रहे हो बोरियत वाला दे रहे हो क्या ऐसे करने हक करने वाला बोल रहे हक करते हो अच्छा चिपक जा दो तो ऐसे कर ले हाँ बहुत अच्छी हूँ और आज रवि जी पहली बार लखनऊ आए हैं मैं भी लखनऊ से हूँ तो मुझे मिलकर बहुत ही अच्छा थैंक यू सो मच और काफी ब्यूटीफुल लग रही हो आज अरे मक्खन लगा रहे देखो यार नहीं नहीं ऐसा नहीं है सीरियसली आप लोग कमेंट में बताना सिमरन का लुक कैसा लग रहा है आप लोग बताना थैंक यू सो मच रवि जी तो मक्खन लगाने के लिए चलो ठीक है बहुत 3 2 1 स्टार्ट ये नहीं करना पड़ता मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं कैमरा नहीं चलाऊंगा तुम्हें पसंद आएगा नहीं कोई बात नहीं इस बार कर दो अभी प्रियंका तुम करो ना अच्छे से करो करो तो यार जाओ बउआ जाओ अब नखरे दिखाने ना उनको कंपेयर मत क्या करो हर इंसान अलग अलग होता है सुमित होता एक बार में कर देता मैं क्रिएटर या कैमरामैन हूं आप ही बताओ पहले क्रिएटर आप चाहिए दोनों होना चाहिए तो मेरा शूट करा तो वो भी तो करा लाओ ना लाओ मैं रेडी हूं करने के लिए और क्या कहेंगे हस्बैंड जी अपनी वाइफ का वीडियो बनवा रहे वो भी दूसरे के साथ ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा हां सही बात वो भी गाना कौन सा हां उससे दूर जाऊंगा मैं बना लूं इंस्टा के कैमरे से नॉर्मल कैमरे से नहीं हो रहा है ओके क्या बात है पतिदेव शिकायत कर रहे हैं ए बजाना नहीं नहीं बजाना क्या बजाना ऋषभ स्मार्ट लग रहा है स्वीट स्वीट कब शादी करें इस बार बोल रहे शादी करने के हाँ भैया जल्दी शादी कर लीजिए ताकि लोगों का डर खत्म हो जाए भैया जल्दी से शादी कर लीजिए गाइस मेरा नाम ही भैया है भैया बोल दिया मुझे तो शौक लग शुरू से भैया ही बोलती हूँ ऐसी नहीं नहीं आंटी ने बोला कब शादी करोगे तो बोले हाँ भैया जल्दी से कर मेरी मेरी जो शादी की बात 2028 एक पंडित जी ने बताया 2028 में शादी हाँ हाँ सही बात बताया बताया पंडित जी ने ओके तो गाइस अभी हम लोग उधर साइड जा रहे हैं वीडियो शूट करने इधर तो सब टुक 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 देख रहे हैं सही बात है यहाँ पता है थोड़े से कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं तो ऐसा हो नहीं पाता शूट बाकी ऐसा नहीं कर नहीं पाते लेकिन होता है ना थोड़ा सा वो हम अपना थोड़ा इनको कह सकते हैं टिक्की के सुपरस्टार रवि सागर और तुमको क्या बोलेंगे पूरी सोशल मीडिया की सुपरस्टार है लखनऊ की अच्छा लखनऊ की जी हां बिल्कुल तो मैं कह रही थी आप रुकते तो हम आपको पूरा लखनऊ घुमा देते अपना अच्छा हाँ लुलु मॉल है यहाँ का फेमस ही लेकिन ये आज ही जा रहे हैं शायद देखो अगर प्लान हुआ तो मैं बताता हूँ बाकी तो ऐसा करके कुछ है नहीं अगर इवेंट्स में जाना हुआ हाँ। तो फिर करते हैं प्लान है ना बाकी बहुत सारा प्यार देना सपोर्ट देना ठीक है ना क्योंकि मैं यहाँ पे आया लखनऊ में बहुत अच्छा लगा सिमरन से मिलके पहली बार लेकिन तुम भी बरेली आना मैं बरेली का झुमका दिखाऊंगा तुम्हें हाँ, मैं क्या बरेली का झुमका दिलाऊंगा मैंने सिर्फ वीडियो देखी है बरेली झुमके की सिटी की लेकिन मुझे आने का बहुत मन है हाँ। वहाँ पे एक फोटो खिंचानी है अरे एक फोटो मेरा कोई नहीं रहता है वहाँ पे मतलब मेरा अरे ऐसे कोई नहीं रहता हम नहीं है क्या ये बताओ हाँ आज पहली बार मिले तो अब रिश्तेदारी हो गई है आयो कौन कार्टून में आता है बहुत थक गए यहाँ पे हमने वीडियो शूट कर लिया अब उधर जा रहे हैं नाश करते करते थक गए
मैं पब्लिक प्लेस में डांस नहीं करती, छोड़ दिया था मैंने बहुत ही कम, आज पहली बार मतलब बहुत सालों बाद किया है। गाइस यहाँ का मौसम कितना प्यारा हो गया है और वहाँ पे रवि सागर वीडियो शूट कर रहे हैं और दो तीन लोग और हैं वहाँ, ऋषभ भैया, मतलब 6-7 लोग हैं और सब इधर उधर हो गए, काफ़ी मज़ा आया। लेकिन भूख बहुत तेज लग रही है मुझे घर तक। ऋषभ भैया और ऋषभ भैया जा रही हूँ मैं, ये तो एरोप्लेन जा रहा है, टंटड़ा चलो देखते हैं अब दोबारा कब मिलेंगे रवि जी से। हाँ दोबारा बहुत जल्दी, अभी तो कोई ना, अभी तो तुम आओगी ना बरेली। हाँ आ जाना प्लान करके बरेली में, बरेली का झुमका और मेरा ठुमका काफी फेमस है, इसलिए बोल रहा हूँ आओ बरेली, है ना, फिर करते हैं साथ में। और अभी मिलेगा आप लोगों के लिए बैली डांस देखने के लिए, इन सारे लोगों से बोल रहा हूँ मैं, है ना, बैली डांस मिलेगा। हाँ सिमन बहुत अच्छा बैली डांस आता है, सीरियसली अगर नहीं आता होगा मैं सिखा दूंगा, मस्त वाला करेंगे हम लोग मिल। और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इनका मूड ऑफ हो गया था। हाँ कानपुर आती जाती रहती हूँ, लखनऊ के पास में ही है। लवम जी सही नाम लिया ना, गलत तो नहीं लिया, जब मैं इंस्टाग्राम पे न्यू थी तब मैं आपसे लाइव में बात हो चुकी है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं हुई है, में भी हुई है। बहुत अच्छा लगा इतने सालों बाद मिलके, वैसे पहली बार मिले आपसे मिलके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, मतलब जो कैमरे के पीछे की चीजें है ना वो कुछ अलग होती है, सामने से जब इंसान मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत अच्छी है सच में। अभी जी चलते हैं मिलके, बहुत 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 अच्छा लगा, देखो सुबह से रात भी हो गई, रात भी होने वाली है, सेम टू मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ लग रही है कोई ना, अभी चलते ना बाहर कुछ देखते हैं। चलिए ऋषभ जी बाय बाय टाटा। ऋषभ जी वाह क्या बात है, ऋषभ जी तो आ तो धन हो गए मेरे भाग्य पर, ऋषभ जी हो गए ऋषभ भैया से। अरे चलिए बाय बाय, रात हो गई, बाय बाय।